गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टूडेज क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की क्लास अटेंड करेंगे एंड मैथ्स की क्लास में आज हमारा टॉपिक है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। ओके, आज हम क्या सीखने वाले हैं? व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। हमने लास्ट क्लास में भी वॉट कम्स जस्ट बिफोर ही सीखा था। किया आपने ये वीडियो वॉच? मैम का ये वीडियो वॉच किया, इसमें मैम ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे करना है। हम 2-3 डेज से यही कर रहे हैं एंड आज लास्ट है हमारा ये वाला टॉपिक। आज मैम लास्ट टाइम आपको समझा रहे हैं कि ये कैसे करना है, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैम ने आपको बताया ही है, या तो आप काउंटिंग बोल कर कीजिए या काउंटिंग को राइट डाउन करके कीजिए इसे सॉल्व। ओके, आपको जैसे भी करना है आप इसे सॉल्व कीजिए। जैसे मैम ने कहा था, सबसे बेस्ट है काउंटिंग बोलकर करना या फिर राइट यहाँ पर लिख कर करना। तो हम लिख कर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो यहाँ पर 3 का 3, 4, 4 के बिफोर क्या आएगा ये हमको देखना है। तो 4 के बिफोर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको इसमें 4 नजर आया था कहीं? मैम को तो नहीं आया, तभी तो मैम इतने आगे तक चले गए। आपको 4 नजर आ रहा है? ऐसा सेम कहाँ है नंबर? ये रहा, तो 4 के बिफोर लिखना है, तो 4 के बिफोर 3, तो हम यहाँ 3 राइट डाउन करेंगे। 33, 34, फिर आपको ये वाला देखना है, यहाँ पर है 5, 6, 56, तो इसके बिफोर लिखना है। तो यहाँ पर आगे वाला नंबर सेम 6 के बिफोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बिफोर 5, सो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे 5। फिर आप देखेंगे 4, 4, 44, 4, 4, 44 के बिफोर क्या आएगा? तो आगे वाला सेम नंबर यहाँ इस 4 से बिफोर, ये रहा 4, इससे बिफोर 3, सो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे 3। फिर यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो 7 का 7, 5 के बिफोर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बिफोर 4, सो हम राइट डाउन करेंगे 4। यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो हम आपको पता ही कैसे करते हैं, पता है ना स्टूडेंट्स आपको कि 6 का 6 आएगा 9 से बिफोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से बिफोर 8, सो 8 का 8। यहाँ 4, 8, 48, तो 4 का 4, 8 से बिफोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से बिफोर 7, 5 to 52, तो 5 का 5, 2 से बिफोर, 1, 2, 2 से बिफोर क्या आया स्टूडेंट्स? 1, सो हमने यहाँ राइट डाउन किया 1। इट इज़ वेरी इजी, बस आपको फोकस करना है कि मैम कैसे बता रहे हैं। अब तो आपने बहुत बार सीख लिया है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर यहाँ 6 है, तो 6 का 6 राइट डाउन करेंगे, 8, 8 के बिफोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से बिफोर क्या दिख रहा है आपको? ये वाला नंबर दिख रहा है ना, तो ये यहाँ राइट डाउन कर देंगे। और ये नंबर कौन सा है? 7, 67, 68। अब यहाँ 4 है, 4, 3, 43, तो 4 का 4, 3 के बिफोर, 1, 2, 3, 3 से बिफोर 2, सो हम राइट डाउन करेंगे 2। 3, 9, 39, तो 3 का 3, 9 से बिफोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से बिफोर 8, सो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे 8। 86, 8 का 8, 6 के बिफोर, तो आप यहाँ पर काउंटिंग बोलेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि 6 के बिफोर क्या आएगा। और अगर आप बिना काउंटिंग के भी करते हैं ना, तो कैसे करेंगे काउंटिंग बोल के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से पहले आपको, आपने क्या बोला अभी? 5, तो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे
ओके, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर है 7575, तो 7 का तो हम राइट डाउन करेंगे, 7 5 से बिफोर क्या आएगा, अब ये हमको सर्च करना है। तो आप सर्च करिए यहाँ पर काउंटिंग बोल के, 1 2 3 4 5, देखा आपने 5, तो 5 से बिफोर 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे आप 4 74 75, 74 75। फिर यहाँ पर है 9 5 95, तो आपको 9 1 की काउंटिंग आती है, तो आप बोलिए 9 1 91, 9 2 92, 9 3 93, 9 4 94, 9 5 95। 9 5 95 से पहले आपने क्या बोला, 9 4 94। अगर आपको काउंटिंग आती है तो ठीक है, वरना आप फर्स्ट नंबर का फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, और 5 1 2 3 4 5, 5 से बिफोर 4, तो आप 4 राइट डाउन कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ है 5, तो हमने भी 5 राइट डाउन किया। यहाँ 3 है, 1 2 3, 3 के बिफोर 2, तो हम भी यहाँ 2 राइट डाउन करेंगे, 52 53। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये वर्क कंप्लीट करना है आपकी नोटबुक में। हमने काफ़ी टाइम से सीख लिया है, ये आपकी लास्ट क्लास है जिसमें मैम ने ये आपको व्हाट कम जस्ट बिफोर सिखाया है, अब मैम आपको ये नहीं सिखाएंगे, इसीलिए आपको नहीं आते तो आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, फिर भी समझ नहीं आता है तो आप सैटरडे के दिन मैम के पास आ जाइए, मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे अगेन, ओके। बट आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, और कहाँ कंप्लीट करेंगे आप, आपकी नोटबुक में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और बिना मैम की कॉपी किए, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन उतारेंगे, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं और ये आगे वाले नंबर्स आप खुद सॉल्व करेंगे, तभी तो आपको पढ़ना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।